सब भाइयों राम राम भाई। बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ चुकी है और भाई भैंस के जो सींग हैं उनके सरसों का तेल रगड़न लग रहे। हाँ भाई, सरसों के तेल का यो फायदा है कि इससे पशु ने गर्मी कम महसूस होगी। यानी कि यह बात तो कोई नहीं कही जा सकता भाई गर्मी नहीं लगेगी बिल्कुल भी, लेकिन सींग जब तेल तक ठंडा रहेगा तो पशु का नहीं का और बहुत कम गर्मी लग गई। जिस तरह अपने या वैसे इसका जो है ना सिंगा तेल लगा दिया और जो टिकोर लगा देगी। थोड़ा बहुत पीठ के ऊपर रगड़ दिया, इससे भी बहुत फायदा हो जाए। बस ज़्यादा तो क्यों रगड़ा, नॉर्मली रगड़ते। तो तेल गर्मियों में हर तीसरा चौथा दिन पशु का सींग का लगाना बहुत ज़रूरी हो भाई। इस तक पशु ने गर्मी तक बहुत छुटकारा मिला है। ये देख लो, आप ये मुँह का नहीं कर दिया, आदत पड़ रही है भाई, आदत पड़ रही है। और एक इससे यो फायदा है कि खाज बहुत कम चल रहेगी सिंगाम। यानी कि पशु का कई बार देखो हो कि सींग जो है ना खुट्टा का मारी जा है या पशु दीवार का मारी जा है, इसका मतलब यो है कि उन सिंगा में चिकनाट को नहीं रह, अपना आप इन्फेक्शन सा हो जाए एक प्रकार का सिंगा का अंदर अंदर। और उस तो पशु जो है ना फिर खा जो हो इस बात का तर खुट्टा का मारी जा है, सिर ने दीवार का भी मारी जा है। कई बार पड़ोस में कोई पशु बंध रहा हो दीवार का, सारी रात बड़ा है बड़ रखेगा, तो इससे भी छुटकारा मिला है। यानी कि सींग का आप ही जो ये तेल लगा दे, हाँ इससे जो है ना खज भी कौन चला पशु का, वो भैंस भैंस का नहीं, चाहे गाय का भी लगा दो। जिस तरह अपने ये जो गौ माता बैठी हैं इनका भी उतना ही असर करा है जितना कि भैंस का करा है। और एक तेल लगाने का यो फायदा है कि भाई सींग काले हो जाए, कौन दे रही सिंगा है का जो रंग है ना वो चेंज हो जाए, कलर चेंज हो जाए। बता के ले रही सु तेल तो पशु चाहे आप तेल पशु ना प्यावा भी गए नद्या भी गए उस तो भी देह में काफ़ी ज़्यादा चिकनाहट आ जाए और पशु की जो चर्बी है उसका रंग बदल गया है, बिल्कुल काला रंग हो गया। यानी कि पशु जब धूप में खड़ा हो ना और थोड़ा बहुत तेल दे रखे हो पशु ने, शरीर का थोड़ा बहुत रगड़ रखे हो, तो वो चिमकन लाए जाए, देसी भाषा में बोले तो पड़का मारन लाए जाए। हाँ भी लगा दे। हाँ ये जो है ना ये गोखरू बोलो हम ना, ये बहुत अस्त तेल लगवाओ। ठीक है, भैंस का चाहे कितनी रगड़ी जा कोई दिक्कत को, लेकिन गाय का जो है ना, हाँ ये मतलब बहुत अस्त तेल लगवाओ या नाटा है भी नहीं कह ना ना। ठीक है, आँख और लगाओ, काटड़े को और लगा दे, काटड़ा लगा दे, या तो नहीं करी जाए आप उसका लगा के आओगे। हाँ भी लगाओगे के है लगा के। हाँ लगा दे, काटड़ा लगा दे। यानी कि सिंगा का और पीठ का ऊपरली साइड में बहुत गर्मी तरह हाथ में लगी भाई। टेम्परेचर 3 दिन हो लिए 47 डिग्री तक पार जा रहा है, तो अपना जो आप ही ख्याल रखा है ना पशु का भी ख्याल रखना सब तो जरूरी है। बस इसका तो लगाए दियो, इसको और लगा दे। हाँ केरी का इसी आराम से तेल लगवाओ, पशु आदत पड़ रही है भाई। और पशु ने जिसे आदत गेरा है ना उसी पड़ जाए,
ये चैन सा हो जाएगा इसका। तो भाई वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी तो लगी हो खाण तो में लगी वीडियो को है। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।